तो स्वागत है आपका निक डॉट यूट्यूब में। आज हम बात कर रहे हैं तीन ऐसे ऐप्स के बारे में जिससे आप म्यूज़िक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला ऐप है पैगो। दोस्तों आप इसमें डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं म्यूज़िक के लिए जो आपको सर्च करना है, या फिर आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये मुझे बेस्ट फीचर लगा इसका कि आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब से डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि आप उसे 180p में भी स्ट्रीम कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। और अगर आप गाइस डायरेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है डाउनलोड के लिए, फिर भी आप उसे शेयर करके पैगो पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने शेयर किया दोस्तों ये। आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी 180p में। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। और दोस्तों इसमें यह है कि आप उसको रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर आपको प्रो वर्जन पर अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आप 3 से ज़्यादा डाउनलोड कर सकें एक दिन में। लेकिन दोस्तों रजिस्टर करना कुछ झंझट का चीज़ नहीं है, तो बस आप रजिस्टर कर दीजिए। सेटिंग्स पर जाइए या फिर एक बार आप उसका टर्म्स पढ़ लीजिए, उससे आपको पता पड़ जाएगा क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। या लॉगिन रजिस्टर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल मांगेगा, पासवर्ड बस करके, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सेकेंड ऐप है हमारे लिस्ट में फील्डो। दोस्तों इस ऐप में आप सबसे अच्छा फीचर मिल सकता है कि आप एक आर्टिस्ट के सारे गाने एक बार डाउनलोड कर सकते हैं और स्ट्रीम भी कर सकते हैं। दोस्तों हम इससे वीडियो कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का कुछ झंझट नहीं है। दोस्तों आप आर्टिस्ट ब्राउज कर सकते हैं और मान लीजिए आप कोई आर्टिस्ट के सारे गाने डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एल्बम, तो आप सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी है, या फिर एल्बम वाइज डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और स्ट्रीम भी कर सकते हैं। स्ट्रीम का कर देता हूँ। स्ट्रीम तो हो जाना चाहिए, ये स्टार्ट हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो आप इस प्लस बटन में जाइए और डाउनलोड कर दीजिए और डाउनलोड करके सुनिए सारे गाने को। तो ये तो था हमारा फील्डो। और इसमें आप अपना स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट इंपोर्ट कर सकते हो या फिर प्रोफाइल, तो उससे आप अपने प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे डाउनलोड कर सकते हो कि वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आएगा। और जैसे आप अपने म्यूज़िक ऐप को खोलोगे और प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ। वो भी बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। यहाँ पर आपको एल्बम्स मिल जाएंगे जो भी ट्रेंडिंग है। यहाँ पर आपको बॉलीवुड के भी गाने मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे जाते हैं और सर्च करते हैं दोस्तों, थोड़े एड्स हैं क्योंकि इनको भी तो अपना पेट भरना है। तो एड्स को बस क्रॉस कर लीजिए, आपके बॉलीवुड गाने भी आ जाएंगे, तो आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये था हमारा सेकंड ऐप। तो दोस्तों हमारा आखिरी ऐप है एक्स ट्यून्स। तो दोस्तों ये ऐप फर्स्ट इसलिए क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट ऐप है दोस्तों, और इसकी वैरायटी भी सबसे ज़्यादा है। तो आपको इसमें भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने मिल जाएंगे, आप लेटेस्ट एल्बम्स देख सकते हैं, सिंगल्स देख सकते हैं, और आप चार्ट्स वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं। सो अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो उसे क्लिक कीजिए और ये आप वैरायटी देखिए दोस्तों। आप इसमें हिंदी, इंग्लिश से लेके मलयालम और तेलुगु गाने तक सुन सकते हो। तो अगर आप ये सब टिक मारते हो तो दोस्तों ये आपके फीड पे आ जाएगा। और दोस्तों बस एक हिसाब में आप लेटेस्ट गाने सुन सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो वो बहुत तेज़ी से। इसमें दोस्तों अपडेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। ये था हमारे तीन ऐप्स दोस्तों। आप देख रहे थे नेक डॉट यूट्यूब। मैं तो आपसे अगले वीडियो में।